वालेकुम सर। जेंटलमैन, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? अच्छा, सर मैं अपना पीएफ कॉलेज लॉटोपा का इंटरव्यू देने आया हूँ। कहाँ से आए हो आप? सर मैं वाकेंट से आया हूँ। ओके जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर माय नेम इज मोहम्मद अनस अतीक। माय फादर नेम इज मोहम्मद अतीक। ही इज सर्विंग इन पाकिस्तान एयरफोर्स एज चीफ टेक। माई मदर इज अ गवर्नमेंट टीचर। आई हैव टू सिबलिंग्स। आई बिलोंग टू वाकेंट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन वॉइस स्कूल वाकेंट। थैंक यू। यू आर वेलकम। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पीएफ कॉलेज सरगोधा या पीएफ कॉलेज लोहरदगा? सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन पी एफ कॉलेज लोअरटोपा बिकॉज इट इज अ वेल डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पी एफ कॉलेज लोअरटोपा इज वेरी हाई एंड आई थिंक दैट इट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन पी एफ एज अ जीटीपी। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर मैथ्स एंड उर्दू इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 210 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 मिनट्स? सर 110 किलोमीटर। क्या कर रहे हो यार? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 210 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 मिनट्स? पहले 6 मिनट्स का आप बताइएगा। 210 किलोमीटर पर आवर से आप 6 मिनट्स का पहले बताइएगा। सर 6 मिनट में 21 किलोमीटर। ओके, तो फिर 3 मिनट्स में कितना करेगा उसका हाफ? सर 10.5 किलोमीटर। यस, दैट्स द आंसर। ओके, यही मैंने सिखाया है ना। ओके, इफ द यस सर। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹200 एंड देयर इज अ 40% प्रॉफिट, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ₹200 एंड देयर इज अ 40% प्रॉफिट, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस? सर ₹140। नो, कॉस्ट प्राइस 200 है, 40% प्रॉफिट हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा? सर 80। 80। अब 200 और 80 को प्लस करें तो सेल प्राइस आएगा, क्या ऐसा ही है? यस सर। सो 280। ओके, ₹280। व्हाट इज 5% ऑफ 80 रुपीज? सर ₹4। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। The increasing rate of greenhouse effect and ozone depletion is increasing the average temperature of the earth. As the result, the earth globe is getting warming. This is called global warming.
आपकी अम्मी क्या करती है? सर मेरी मदर इज अ टीचर। किस स्कूल में है? सर रावलपिंडी के प्राइमरी स्कूल खतीजा स्कूल। तो वाकेंड सर रावलपिंडी जाती है डेली? यस सर। ओके, किस कन्वेंस में जाती है? कोई सरकारी कन्वेंस है या इस तरह लोकल गाड़ियों में? सर लोकल। ओके, तो आप गाड़ी चला सकते हैं खुद? नो सर। ओके ओके, और आपके पापा कहाँ ड्यूटी करते हैं? सर कराची में। मुझे कोई दो मुहावरात सुनाए। सर चार चांद लगाना। और आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना जुमले में इस्तेमाल करें। अपनी वालदा की वफात पर असलम आठ आठ आंसू रोया। तो इससे अच्छा कोई मुहावरा नहीं है आपके पास जिसमें हम रोने वाला काम ही ना करें और खुशी खुशी मनाए? शर्मिंदा ताबीर होना। ओके गुड। कौमी तराना किसने लिखा? सर मौलाना हफीज जालंधरी ने। हफीज जालंधरी कहाँ रहते थे? सॉरी सर। ओके, कौमी तराना सबसे पहले पढ़ा गया या गाया गया? सर पढ़ा गया। ओके, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? सर चौधरी परवेज इलाही। ओके, शहबाज शरीफ और इमरान खान के बारे में पांच पांच जुमले बताए। चलो दो जुमले बताए। इमरान खान नंबर वन। इमरान खान इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पॉइंट टू, इमरान खान इज अ लॉयल करेज एंड ऑनेस्ट पर्सन। गुड, वेल डन। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इज अ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। And he is in the party of Pakistan Muslim League Noon. Okay. कराची रहे हो आप? Yes, sir. कराची के मशहूर जगहों का नाम बताएं। Sir, Sea View. Okay. कायदे आजम का मेजार शरीफ। Okay. अच्छा मुझे ये बताइए कि मकली कब्रिस्तान कहाँ पे है, किस सूबे में है? सर सिंध। सर सूबा सिंध में। ओके, और आप कभी पीएफ म्यूजियम गए हैं? नो सर। कराची में पीएफ म्यूजियम है, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम, वहां आप नहीं गए? नो सर। व्हाई, क्यों नहीं गए? सर हम गए थे और रात बहुत हो गई थी और बारिश हो रही थी और वो बंद हो गया था। ओके ओके ओके, व्हाट इज न्यूक्लियस? The central part of an atom is called nucleus. How to find the mass number? Sir, mass number is equal to sum of proton and sum of neutron. आपको कभी किसी ने थप्पड़ मारा है? Yes, sir, मारा है। किसने मारा है? Sir, parents ने। किस बात पे? Sir, जब मैं कभी कोई शरारत करता हूँ या भाइयों को तंग कर रहा होता हूँ। तो आपको मारते रहते आपके पेरेंट्स? नो सर, कभी कभार, बहुत पहले मारा था एक बार। ओके, गुस्सा आए तो क्या करते हो? सर उस जगह से कहीं बाहर चला जाता हूँ दूर। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नसीमुद्दीन। ख्वाजा नसीमुद्दीन या निजामुद्दीन? निजामुद्दीन। ओके, टुडे इज 9 नवंबर। 9 नवंबर को लोग किस लिए याद रखते हैं? क्या हुआ था इस दिन?
क्योंकि सर शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे। ओके, अल्लामा इकबाल पे स्पीच करें। आपने मुझे आज स्पीच भिजवाई है, स्पीच की वीडियो? नो सर। ओके, अल्लामा इकबाल पे स्पीच करें। सर अल्लामा इकबाल इज अवर नेशनल पोएट। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 9, 1877 इन सियालकोट। ही टेक्स हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम सियालकोट। ही कम्प्लीटेड हिज बी ए एंड एम ए एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। He wrote many poems for children's men's and women's. Okay, आपने किस किस कॉलेज का टेस्ट दिया है? Sir, I have applied in PF College Sargodha and PF College Lower Topa. और किसी मिलिट्री कॉलेज का नहीं दिया? No, sir. क्यों? Sir, because my aim is to study in PF College Sargodha or Lower Topa. Okay, और आप क्या बनना चाहते हैं? सर जीडीपी बनना चाहता हूँ। अगर आप पायलट ना बने तो क्या करोगे? सर पाकिस्तान एयर सबसे पहले तो मैं कोशिश पे कोशिश करूंगा, अगर फिर भी ना हो पाया तो इंजीनियरिंग करूंगा। इंजीनियरिंग करेंगे और फिर आगे? सर बस इंजीनियरिंग ही हो जाएगी। मैंने क्या बताया था? बल्कि आपके जहन में अगर आपने पायलट का सपना देखा है तो शायद आपके नॉलेज में कमी है कि आप एफएससी के बाद भी आईएसएसबी के थ्रू जीडीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको नहीं पता इस चीज का? सर पता है। तो फिर आपको बताना चाहिए ना कि सर मैं एफएससी के बाद अप्लाई करूंगा, मेरे पास वहां भी दो चांसेस होंगे, लेकिन मैंने इंशाल्लाह जीडीपी बनना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आईएसएसबी फिर क्लियर करूँ। ठीक है? यस सर। जीडीपी की क्या ड्यूटियां होती है? सर उसको अपने मुल्क को कौम की हिफाजत करनी होती है। और सर हर वक्त उसको उसने हमेशा समझ कर कोई भी स्टेप लेना होता है। और सर उसको कभी भी डरना नहीं होना क्योंकि कभी किसी भी वक्त हमारे पे हमला हो सकता है। और अगर हम जीडीपी हिम्मत हार गया तो व्हाट आर योर मेरिट्स? सर आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज। आई एम लीडरशिप क्वालिटीज नहीं, आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज। सर आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज। आई एम ब्रेव, आई एम लॉयल एंड आई हैव करेज। व्हाट लीडरशिप क्वालिटीज डू यू हैव? सर आई एम अ प्रॉक्टर ऑफ माई क्लास फ्रॉम फर्स्ट क्लास। और ये जो आपने पहले बता दिया ना, करेज, डिटर्मिनेशन, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज है। ठीक है? यस सर। डू यू फाइट विद अदर स्टूडेंट्स आर नॉट? सर नो। डू यू फाइट विद योर क्लास फेलो? डू यू फाइट विद योर सिबलिंग्स? सर समटाइम्स आई फाइट विद माय सिबलिंग्स। तो क्या उनको मारते रहते हो पूरा? नो सर, जब वो मुझे तंग करते हैं या पढ़ने नहीं देते तो उन्हें पहले तो समझाता हूँ, अगर वो ना समझ रहे हो तो उन्हें दो तीन लगा देता हूँ। दो तीन लगा लेते हो? हद हो गई है यार, ऐसा करते हैं क्या? ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है? डू यू टेल द ट्रुथ? Yes sir, I always speak truth. What are the famous things in Pakistan? Sir, Sahil-e Samundar. Okay, seaside. K2. What is the main problems in Pakistan? सर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। हु इज द मोस्ट करप्ट मैन इन पाकिस्तान? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हु इज द मोस्ट करप्ट इन पाकिस्तान?
सर कोई करप्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे जहाँ बट आई थिंक दैट पॉलिटिशियंस आर मोस्ट करप्ट। ये आप कैसे कह सकते हो? सर क्योंकि कोई आम बंदा तो मुल्क में करप्शन कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? वापदा वाले या कोई और इदारे वाले भी तो, ट्रैफिक वाले भी तो, कभी कभी कोई एक आधा बंदा होगा, बेशक 1,000 में से एक बंदा हो, तो वो भी तो थोड़ी बहुत करप्शन कर लेते हैं कभी, खुदा ना खास तो उनको रिश्वत जो है ना वो लेनी पड़े या कोई भी, तो वो भी तो करप्शन का एक हिस्सा है। अगर कोई अपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता सही तरह से, किसी भी इदारे में हो, अगर एक टीचर सही तरह से टीच नहीं करता तो वो भी तो करप्शन कर रहा है। अगर कोई ट्रैफिक वाला जो है वो किसी को जो है वो ट्रैफिक के जो फाइंस है उसकी बजाय उसे पैसे लेता है तो वो भी करप्शन कर रहा है। अगर कोई वापडा वाला आप मीटर लगाना चाहते हैं और सरकारी फीस 10,000 है लेकिन वो आपसे 12,000 लेता है तो वो भी तो करप्शन कर रहा है। तो क्या सिर्फ पॉलिटिशियन ही करप्ट है, बाकी इदारे करप्ट नहीं है? सर मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया, जहां तक मेरा ओपिनियन है। ओके दैट्स अ नाइस आंसर। Who is your best friend and also tell me the merits and demerits of your best friend? Sir, my best friend is Mohammad Saad Shakur. His merits are that he respect all the other peoples. Okay. He what is your village name? Sir, Saroba. What is famous of your village? कोई तीन चीजें बताओ जो आपके गांव के फेमस हो। सर रेंजर्स कैडेट कॉलेज मेरे गांव के अंदर ही है। ओके। सर मेरे गांव की बहुत ब्यूटी है। ओके। कोई तीन चीजें, एक रह गया। And sir, there is a river in my village. Okay, मैं सिटीज के नाम बताऊंगा, आपने मुझे ये बताने कि ये सिटीज क्यों फेमस है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब लोग भी ये क्वेश्चन नोट कर लें। मैं सिटीज के नाम बताऊंगा, आपने मुझे सिर्फ बताना है कि वो क्यों फेमस है, किस चीज के लिए, ठीक है? यस सर। हैदराबाद, सर हैदराबाद इज फेमस फॉर हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। माशाल्लाह जबरदस्त। लाहौर, सर लाहौर में इलामा इकबाल का मजार है और उधर मीनार पाकिस्तान भी है। कराची, सर कराची में साहिल समंदर है और कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मजार है। गुजरावाला सर गुजरावाला के खाने बहुत मशहूर है। और गुजरात, सर गुजरात में पंखा साजी है। जबरदस्त यार। इज सनलाइट इज अ मल्टी कलर आर सिंगल कलर? सर सनलाइट इज अ सिंगल कलर। अच्छा तो फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे हो जाती है? क्या व्हाइट लाइट को हम डिस्पर्स नहीं करते 7 कलर्स में? सर करते हैं। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन? सर रिफ्रैक्शन, वी नो दैट लाइट डज नॉट नीड, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंज इज स्पीड और डायरेक्शन, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सर्टेन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, यस सर। नेम द एनर्जी सोर्सेज दैट पाकिस्तान है। सर सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। एक्सेलेंट, वेल डन जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू, और अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
Okay, thank you so much. Allah Hafiz. Gentlemen, introduce yourself. My name is Mohammad Ahmed Hussain. I study in class 8, Foundation Public School, Karachi. My father name is Irshad Hussain and my mother name is Saima Khanam. My father is a doctor. Thank you. What's your mother occupation? Sir, she was a doctor, but she is now a housewife. Okay, do you live in Karachi? Yes, sir. आपकी मामा पहले जिना हॉस्पिटल में थी? Yes, sir. Okay, okay, okay. अभी पहचान लिया आपको. तो माशाल्लाह तो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए तो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होगा. ठीक है, जो है ना, रेडी रहना. अच्छा, okay, sir. Okay, how are you? I'm fine, sir. कहाँ से आए हो? Sir, I'm from Karachi. कराची में कहाँ से? डिफेंस. कराची में आपको क्या पसंद है? सर, द फूड्स एंड द स्ट्रीट, द पीपल, फ्रेंडली पीपल, आई लाइक देम. ओके, और आपको कराची में कौन सी चीजें बुरी लगती है? क्या आप कहते हैं कि यार अगर मैं कराची का जो है वो मेयर बना, ठीक है, तो मैं इन चीजों को चेंज करूंगा? कराची में आपको क्या खामियां नजर आती है? Sir, mostly the dirtiness, the road should be cleaned, and the discipline. What is ozone layer? Sir, the layer which is 10 kilometer away from the ground and makes up many surfaces is called ozone layer. What are your good qualities? Sir, I have a sportsman spirit and I am very confident. कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? Sir, cricket and football, both. किसी academy की तरफ से खेल रहे हो या वैसे ही गलियों में खेलते रहते हो? Sir, I play in Moin Khan Academy, cricket academy, cricket for cricket. Okay, Moin Khan Cricket Academy में कितना फीस है? What, sir? फीस कितनी है वहाँ पे? Sir, 4,000. 4,000 per month? Yes, sir. किस टाइम खेलने जाते हो? Sir, 4 to 6. 4 to 6. तो वहाँ पे वो आपको कुछ सिखाते भी हैं? Yes, sir. क्या आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? Sir, I'm an all-rounder. Okay, तो कौन सिखाते हैं आपको? मुइन खान खुद आते हैं या कोचेज रखे हुए हैं? Sir, कोच. कभी मुइन खान से आपकी मुलाकात हुई? Yes, sir. वो किस तरह के इंसान है, आपने क्या जज किया? Sir, he is a well mannered person. He likes discipline and when I met him, he was so kind and he is very friendly to the kids. पांच दिन बाद भी नहीं आया शिक्षक. ओके, बस तू ने यो क्लास पे बलवा लो. ओके, मोहम्मद अहमद हुसैन, टेल मी व्हाट इज फेमस ऑफ योर, आप किस विलेज से वैसे बिलोंग करते हैं? व्हाट, सर, कैन यू रिपीट इट? मैं कह रहा हूँ आप कराची से बेसिकली बिलोंग करते हैं या बैकग्राउंड में आपको कोई विलेज भी है? सर, मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ. हैदराबाद का क्या फेमस है यार, क्लास को बताइए जरा. सर, मोस्टली द मॉस्क एंड द पीपल दे आर वेरी फ्रेंडली एंड द फूड लाइक बिरयानी, गोलगप्पा, दे आर वेरी मच गुड पीपल एंड फूड. ओके, फुटबॉल भी खेलने जाते हो या सिर्फ क्रिकेट खेलते हो? सर, मैं ज्यादातर फुटबॉल क्रिकेट खेलता हूँ. ओके, तो फुटबॉल के लिए भी कोई एकेडमी ज्वाइन की है आपने कभी? नहीं सर, मैं मेरी अपनी एक टीम है फुटबॉल की. ओके, कौन सा, नाजिमाबाद में रहते हो ना, कौन सी जगह बताया था? सर, मैं डिफेंसिव व्यू पे रहता हूँ. ओके, फिर तो आपको मोइन खान एकेडमी बिल्कुल करीब पड़ेगा ना? यस सर. ओके,
आप कभी सीवीओ के साइड पे जो होटल्स बने कबाब जीज और वो कोलाची कभी उधर गए हो? जी सर। क्या खाया था उधर और कौन से होटल गए सर? कोलाची गया था, कटाकट और निहारी, ये चीजें खाई थी मैंने। ओके, बिल किसने पे किया था? सर बाबा। अच्छा, पेरेंट्स के साथ गए थे, कभी दोस्तों के साथ गए हो? नहीं सर। ओके, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत सर, लियाकत अली खान। ओके, व्हाट हैपेंड इन 1998 इन द मंथ ऑफ मई? मई के महीने में 1998 में क्या हुआ था? सॉरी सर, पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था 28 मई को, ठीक है? ओके सर। व्हिच चार्ज डज एन इलेक्ट्रॉन हैव? नेगेटिव। गुस्सा आता है? यस सर। गुस्से में ऐसा कोई काम किया है जिस पे अभी अफसोस है आपको? जी सर। क्या किया था? अम्मी अब्बू से बदतमीजी। अच्छा, आप अम्मी अब्बू से बदतमीजी भी करते हो? सर पहले की थी एक दफा, फिर दोबारा नहीं की? नहीं सर। ओके, दोस्तों में मर्जी किसकी चलती है? सर सबसे बड़े वाले की। आप सबसे बड़े नहीं है? नहीं सर। ओके, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? सर क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हैं, माशाल्लाह। अभी आपने वो कौन सा, अंडर 13 में है या अंडर 15 में है? अंडर 16। अंडर 16 में, तो आपने कोई मैचेस वगैरह खेले हैं किसी के साथ, कोई टूर्नामेंट वगैरह? जी सर। कहाँ पे और कितने स्कोर किया था, कितने विकेट लिए थे? सर मोइन खान एकेडमी में ही नेशनल बैंक वालों के अगेंस्ट मैच किया था, जिसमें उन लोगों ने 200 का टारगेट दिया था 30 ओवर्स में। उसमें फिर मैंने 2 विकेटें ली थी और सिर्फ 40 रन बनाए थे। जबरदस्त। अब नेक्स्ट कोई आपके है कोई प्लान, कोई मैचेस वगैरह? सर अभी मोइन खान में ट्रायल चल रहे हैं उनकी टीम के। नहीं, आप अभी इस वक्त मोइन खान एकेडमी तो आपको ट्रेनिंग देता है ना, तो जिस तरह नेशनल बैंक, वापडा, हबीब बैंक, इनकी टीमें होती है अंडर 16 की, तो आप किस टीम से हैं? सर मोइन खान। अच्छा, आप मोइन खान के अपनी टीम से हैं? जी सर। ओके ओके, तो अभी ट्रायल चल रहे हैं, मे बी आपकी सिलेक्शन हो जाए, ऐसे ही है? यस सर। ओके, चलो अपनी स्ट्रगल जारी रख लो। तो आप तो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो फिर आप मिलिट्री कॉलेज का टेस्ट क्यों दिया आपने? सर मैं आर्मी में भी जाना चाहता हूँ, क्रिकेट में नहीं हुआ तो। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी नहीं है? फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी है। ओके, तो फिर आप बता देना कि सर मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसे भी बता सकते हो ना? ओके, इस वक्त आप सिंध में रहते हैं, तो क्या आप मुझे सिंध के गवर्नर का नाम बता सकते हैं? मुराद अली शाह। वो तो चीफ मिनिस्टर है बेटा। सॉरी सर। ओके, कराची की आबोहवा कैसी है बेटा? सर कैन यू रिपीट? कराची की आबोहवा कैसी है? सर अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, और आप लोग का घर डिफेंसिव एवेन्यू में है? जी। कितने बहन भाई हो? सर तीन। तीन बहन भाई है, ठीक है। अपना घर है? नहीं सर। अच्छा, रेंटेड हाउस? नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अब वो है किस हॉस्पिटल में है? डीएचए मेडिकल सेंटर। ओके, डीएचए मेडिकल सेंटर, नाइस। ओके, दुआए कुनूत सुनाए। सॉरी सर, दुआए कुनूत नहीं आता आपको? नो सर। ओ, ये क्यों, आप इशा की नमाज नहीं पढ़ते? सर बहुत कम। आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते बेटा, आप मुसलमान है ना? यस सर। तो आप मुसलमान है तो फिर आपको नमाज फर्ज है, आप क्यों नहीं पढ़ते?
दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हो बेटा? ज्यादा से ज्यादा तीन. अच्छा, और नमाज पढ़नी तो आती है ना? यस सर. अच्छा, तो बताइए बेटा मगरिब में कितनी रकातें होती है? सात सर. कौन कौन सी? चार रकात, तीन वितर. ये कितने हो गए? ये मगरिब की बात कर रहे हैं आप? मगरिब, सॉरी सर, मगरिब में कितनी होती है बेटा? आगे में सर अपने अम्मी को बता दीजिएगा कि वो आज आपको नमाज पढ़ाना सिखाए और दुआए कुनूत भी, और कल शाम तक आपको मुझे मैसेज करना है कि आपको दुआए कुनूत भी आ गया और आपने नमाज प्रॉपर पढ़ ली है सारे. ठीक है? ओके सर. हाँ, मुझे अपने व्हाट्सएप से एक मैसेज भी कीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा और जी सर. साथ में आप कराची डिफेंस लिख लीजिएगा. ठीक है? ओके सर. ठीक है, थैंक यू सो मच. अल्लाह आपको कामयाबी दे. नमाज पढ़ा करे बेटा, नमाज मोमिन की मेराज है. एक बात याद रख ले कि हम दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है अपनी इबादत के लिए. ये जो हम जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं ये ठीक है, इस पे हम अपनी लाइफ के बेसिक जरूरियात पूरी करते हैं, लेकिन आखिर में हमने मरना ही है, अल्लाह के पास जाना है. तो अल्लाह ने हमसे ये नहीं पूछना कि आपने कितने बंगले बनाए थे या आपने कितनी गाड़ियां खरीदी थी, बल्कि सबसे पहला सवाल होगा मन रब्बो का, आपका रब कौन है, मन दीनों का, आपका दीन क्या है, क्या लेकर आए हो. ठीक है? और एक नमाज जब आप कजा पढ़ लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं लेकिन कजा हो जाती है, उसकी भी बहुत बड़ी अजाब है. आपने कजा क्यों पढ़ी? आपको प्रॉपर टाइम पे पढ़नी चाहिए. और अगर आप नमाज छोड़ देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा गुनाह है. और अभी आप लोग की एज ऐसी है कि आप लोग को कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि आप लोग अपनी नमाज प्रॉपर पढ़ेंगे. तो आप लोग आज मैं जो सबसे मेन होमवर्क दे रहा हूँ, जो आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे लिखना है, वो है नमाज. नेट पे सर्च कर ले. सबसे पहले तो नमाज एक फर्ज है, इसका अदा करना क्यों जरूरी है? दूसरा सवाल, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह की तरफ से हमें क्या अजाब मिल सकते हैं? और तीसरा, नमाज पढ़ने के फायदे क्या है? तो यही आप लोग का आज का होमवर्क है. ठीक है? अब्दुल्ला बिन सलमान, मोहम्मद हमाद और इन दो लड़कों के इंटरव्यूज कल होंगे, और अहमद हुसैन आपका कल दोबारा होगा, और अब्दुल वहाब, चार लड़कों के इंटरव्यूज कल होंगे इंशाल्लाह. ठीक है? तो बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. और आज ही वीडियोज में यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा दोनों वीडियोज आज के. ठीक है?